भूख और प्यास से परेशान हो रहे वन्य प्राणी अब जंगल से आबादी वाले क्षेत्र में आने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ सिरवेल में देखने को मिला। यहाँ एक बगैर मुंडेर वाले कुएं में मादा लकड़ बग्गे की गिरने से मौत हो गई। लक्कड़ बग्गा 2 रात तो हो गया और अभी ये 3रा दिन चल रहा है। किसी को सूचना दी? हाँ, पुलिस वाले को भी दे दी, फारिश वाले को भी दे दी, सबको बोल दिया। कितने दिन की बात है ये? शुक्रवार की बात है। शुक्रवार शाम 7-1 बजे कूदा इसने कुएं में। ये कुएं का पानी पीते हो? हाँ। कितने लोग पीते हैं यहाँ? हमारा मोहल्ला सब पीते। पानी की बहुत समस्या है यहाँ, पानी नहीं मिलता हमारे को। नहीं तो वो नांजा में हेडपम्प के पास, वहाँ से लाना पड़ता बाहर के। अभी क्या चाहते हो तुम? अभी उसको मोटर रख के कुएं को ऊपर देखने, उसको निकाल के ने पानी हम वापसी पीएंगे। सारा तो पानी नहीं हमारे पास, कुआ नहीं है। हनुमान फालिया के लोगों ने आकर के सूचना दी कि कुएं में एक लकड़ बग्घा गिरा हुआ है। तो उसके बाद में वन अमले को और मैं स्वयं भी वहां पर पहुंचा और उसको निकलवाया गया। निकालने के उपरांत जब देखा तो वो मादा लकड़ बग्घा था, जिसे हाइना भी कहते हैं। उसके उपरांत निकालने के उपरांत उसका वेटनरी डॉक्टर से उसका शव परीक्षण कराया गया और शव परीक्षण के उपरांत हमारे जो SDO साहब हैं, उपवन मंडल अधिकारी, उनके समक्ष और मेरे समक्ष उसका शवदाह किया गया और उसके बाद में उसका प्रकरण तैयार किया गया और उसमें अब जांच जारी है। उसके आगे जो भी स्थिति होगी वो बाद में स्पष्ट होगी। रवासियों की मदद से लकड़बग्गे को कुएं से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त मादा लकड़बग्गे के रूप में की गई है। पशु चिकित्सक द्वारा शव प्रशिक्षण करवाकर दाह संस्कार किया गया। क्राइम भाषी के लिए राजेश मोदी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।